हेलो, मैं सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज मैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कशन करूँगा। जितने भी तत्व पाए जाते हैं उनमें कुछ फ्री फॉर्म भी पाए जाते हैं, जबकि ज़्यादातर जो कंपाउंड्स होते हैं, ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि HCl है, अमोनिया है, ये सभी कंपाउंड्स हैं जिनमें दो या दो से अधिक तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं। कंपाउंड्स में तरह तरह के बॉन्ड्स पाए जाते हैं और इन्हें हम मुख्य रूप से दो तीन भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, मेटल मेटल बॉन्ड। इसी तरह से कंपाउंड्स में वीक इंट्रैक्शंस भी पाई जाती है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डेर वाल बॉन्ड। मुख्य रूप से जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इनमें आयनिक बॉन्ड तभी बनते हैं जब बंध बनाने में जो भाग लेने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी विद्युत ऋणता में अंतर बहुत अधिक होता है। जैसे कि यदि ए और बी आपस में यदि बॉन्ड बनाते हैं और ए की विद्युत ऋणता और यदि ए की विद्युत ऋणता बहुत अधिक है बी से, तो बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन हैं दोनों के दोनों वो ए ले लेता है, जिससे ए पर नेगेटिव चार्ज और बी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिससे आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। बनने वाला जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड होता है। इसी तरीके से यदि बंध में भाग लेने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी विद्युत ऋणता में ज़्यादा अधिक अंतर नहीं होता है, तो वो दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पर समान लगभग अधिकार होता है दोनों एलिमेंट्स का। और इसी तरह की क्रिया से जो बनने वाले जो बॉन्ड्स हैं उन्हें हम कोवलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। और यदि एक एलिमेंट ऐसा हो जिस पर वैकेंट ऑर्बिटल हो और दूसरे जो एलिमेंट है उस पर लोन पेयर हो, तो बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि यदि दो तत्वों की विद्युत ऋणता में बहुत अधिक अंतर होता है तो बनने वाला जो बंध होगा वो आयनिक बंध कहलाएगा। आयनिक बंध तभी बनेगा जब दो बंधित जो एलिमेंट्स हैं उनकी विद्युत ऋणता में बहुत अधिक अंतर होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता का मतलब होता है कि बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसे हम विद्युत ऋणता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। विद्युत ऋणता का जो अंतर है वो यदि दो से अधिक है तो ही बनने वाला बंध आयनिक होगा, और यदि विद्युत ऋणता का अंतर 0.5 से कम है तो बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि कोवलेंट बॉन्ड जनरली दो तरह के होते हैं, एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड और एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यदि विद्युत ऋणता का अंतर दो से कम लेकिन 0.5 से अधिक होता है तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब हम यहाँ पे यदि एग्जाम्पल देखें तो जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो गैसियस फॉर्म में होती है उनमें बंधित जो इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों हाइड्रोजन एटम के ठीक बीचों बीच होती है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम हैं और उनकी विद्युत ऋणता भी सेम है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो जीरो है। इसलिए इस बॉन्ड का जो नेचर होगा
वो प्योर कोवलेंट बॉन्ड होगा। इसी तरीके से क्लोरीन दूसरे क्लोरीन एटम से बॉन्ड बनाता है, तब भी प्योर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। यदि हम मीथेन के मॉलिक्यूल में देखें तो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन की विद्युत ऋणता लगभग 2.5 के आसपास होती है, जबकि हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणता है वो 2.1 के आसपास होती है, यानी जो डिफरेंस है वो लगभग 0.5 से कम है। तो इस स्थिति में ये भी एक प्रकार का नॉन पोलर बॉन्ड होगा, लेकिन इसे हम प्योर कोवलेंट बॉन्ड नहीं कहेंगे। जबकि अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड होगा उसमें नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3 के आसपास होती है, और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.1 के आसपास होती है, यानी 0.5 से अधिक अंतर डिफरेंस होता है। तो बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, यानी जो कोवलेंट बॉन्ड है वो दो तरह का होता है, एक प्योर पोलर कोवलेंट बॉन्ड और एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब हम यदि आगे बढ़ें तो सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए 1916 में लुईस थ्योरी दी गई, लुईस नामक वैज्ञानिक के द्वारा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी। इसके अकॉर्डिंग परमाणु यदि एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करके और अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त कर लें, तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो अधिक स्थायी होगा और बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो स्टेबल होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम लुईस थ्योरी कहते हैं, जो कि अष्टक नियम पर आधारित है। इसके अपवाद भी हैं, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर जो शेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरीके से जो लिथियम है वो भी लुईस थ्योरी का एक्सेप्शन है। लुईस थ्योरी के फेवर में कुछ एग्जाम्पल जैसे कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसमें कार्बन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि जो क्लोरीन का आउटर शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए, जबकि कार्बन को अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए क्लोरीन कार्बन के एक एटम से बॉन्ड बनाता है, जबकि कार्बन क्लोरीन के 4 एटम से बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, जिससे कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल बनता है। और इसको यदि हम आगे देखें तो क्लोरीन का अष्टक भी पूर्ण हो जाता है और 4 क्लोरीन से बॉन्ड बनाकर कार्बन भी अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। इसी को ही अष्टक का नियम कहते हैं। इसी तरीके से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन और कार्बन होता है, कार्बन के आउटर शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 सॉरी, और ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए ऑक्सीजन एटम कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के डबल बॉन्ड बनाता है और कार्बन एटम 2 ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड बना करके 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करती है, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन दोनों का अष्टक पूर्ण हो जाता है और एक
स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। नमस्कार।